ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे क्राफ्टन हम सारे अंडरडॉग प्लेयर्स के करियर्स के साथ लिटरली खिलवाड़ कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है गाइज कि BGIS का जो इन गेम क्वालिफायर्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है हमारे सामने, एंड आप सभी मोस्ट ऑफ द पीपल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे इससे, क्योंकि यार 40-40 किल करने वाले टीम्स भी क्वालिफाई नहीं हुई है, एंड लिटरली जो 20-25 किल्स करने वाली टीम्स है उनको तक मेल आ चुका है। एंड मैं आपको एक चीज़ अभी बताने वाला हूँ, इनफैक्ट आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसको देख के आपका लिटरली दिमाग फट जाएगा। सो ये मेरे एक टीममेट के दोस्त का चैट एसएस है, जिसमें कि वो बंदा कह रहा है कि भाई उनका 11 एवरेज किल था एंड 4 चिकन के साथ उनको मेल आ रखा है। बताओ अब इसमें क्या ही बोले, मतलब उन्होंने जस्ट ऐसे ही फन में खेल रखा था, वो सीरियस खेले भी नहीं थे, ऐसे मस्ती मजाक में उन्होंने खेला है एंड उनका मेल आ चुका है। एंड भाई जो 40 प्लस किल्स करने वाली टीम से उनको तक मेल नहीं आया है। जैसे कि आपको पता होगा न्यूक्लिया की टीम है, उसके भी 15 के 15 मैच में चिकन आए हैं एंड 40 प्लस किल्स थे, उसको तक नहीं आया है मेल। जो अपनी IND है उसके 42 के एवरेज था, 12 चिकन थे, उनको तक नहीं मेल आया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई IND का तो नेम टैग सेम नहीं था, शायद उस रीजन से होगा। तो भाई वो टीम ग्राइंड खेल रखी है ऑलरेडी, ठीक है। एंड अगर वो जो टीम ग्राइंड खेल रखी है जिस सेम नेम टैग से, वो नेम टैग चेंज नहीं कर सकते, ये रूल बुक में भी है। तो भाई अगर तुम अपना रूल बुक ऐसा बना रहे हो क्राफ्टन कि भाई एक जगह आप कह रहे हो कि आपका नेम टैग सेम रहना चाहिए, और एक जगह आप कह रहे हो कि हाँ आप ग्राइंड तो खेल लो अलग अलग नाम से, लेकिन फिर आप नेम टैग चेंज भी नहीं कर पाओगे और आपको सेम नेम टैग भी चाहिए, तो भाई ये तो खुद ही की चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि चल भाई हम मान लेते रूल है भी, चलो ठीक है। भाई ऐसी भी बहुत सारी टीम्स है मेरी नोन में जिनका नेम टैग सेम नहीं है, उनको तक मेल आ रखा है भाई। तो अब तो भाई ये क्लियर नाइंसाफी है कि भाई एक टीम का जिनका नेम टैग सेम नहीं है उनको तुम मेल दे रहे हो, एंड जिनका नेम टैग नहीं है, ठीक है, उनको मेल नहीं जा रहा जबकि उनका सब सही है। ये तो नाइंसाफी है। चलो ये तो एक पॉइंट हो गया। कितनी ऐसी टीम्स है जिनका नेम टैग और सब कुछ सेम है, उनको तक नहीं गया मेल। एंड मेरे जितने प्यारे यूट्यूबर भाई हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेहिल भाई, आप वीडियो डाल रहे हो क्राफ्टन के सपोर्ट में, एंड आप अपनी वीडियो में इतने सारे रूल्स दिखा रहे हो कि भाई ये ब्रीच हो सकता है, वो ब्रीच हो सकता है, इस वजह से नहीं गया होगा, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होगा। तो भाई आपके हिसाब से तो फिर किसी भी टीम को जो रूल ब्रेक की वो उसको मेल नहीं जाना चाहिए। बट अगर आपको मैं दिखा दूँ कि ऐसी कितनी सारी टीम्स है जिनका नेम टैग सेम नहीं है, जिनके एवरेज है वो कम है, किल्स कम है, चिकन डिनर्स कम है, उनको तक मेल आ रखा है, तो आप क्या बोलोगे फिर, एक बात बताओ। एंड जो भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हो उनको मैं एक बात बता देता हूँ अपने एंड से कि मेरे को कहीं से तो खबर मिली है। एंड देखो अब मैं इसको बोलूँगा नहीं कि भाई 100% यही हुआ है कि ये नहीं हुआ है, बट ऐसे सुनने में आया है। एंड ऐसे बहुत कोई मेरे को कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशंस हुए थे, लाइक जो पहले के लाइक 4-5 हज़ार रजिस्ट्रेशन है कि 6,000, अब एक्यूरेट मेरे को तो नंबर नहीं पता, बट जितने भी अर्ली रजिस्ट्रेशंस हुई थी उनमें से जो टॉप के 2000 टीम्स है उनका समथिंग वो लोग निकाल के उनको क्वालिफाई करवा दिए। ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। अब मेरे को नहीं पता ये कितनी बात सच है कितनी बात गलत है, बट मेरे को ऐसा सुनने में आया है। एंड अगर ये हुआ है तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि आप रजिस्ट्रेशंस को एक्सटेंड करके रख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन लाइक क्या जो भी बोल लो आपके साइट वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए जिस भी रीज़न से, एंड आप भाई एक्चुअल में रिजल्ट काउंट ही नहीं कर रहे हो। तो यार आप में से बहुत सारे मेरे भाई ये बोलोगे कि यार क्राफ्टन तो भाई इतनी बड़ी एक कंपनी है, उनको क्या ही ज़रूरत है भाई प्रमोशन की, क्या ही ज़रूरत है उनको एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशंस की, ये तो भाई ऑलरेडी मतलब इतना फुल हो ही जाएगा। बहुत कोई कह सकते हो, आप बोलोगे कि भाई कोई सॉलिड प्रूफ दो, उनको क्या ही ज़रूरत है प्रमोशन करने की। तो यार आपको मैं एक क्लियर कट एक मैं प्रूफ दिखाता हूँ। जो ग्राइंड की टीम्स थी मैनेजमेंट की तरफ से उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं कि यार आप हमारा जो BGIS का जो टूर्नामेंट है उसको अपने सोशल से प्रमोट करो। वो खुद कह रहे कि प्रमोट करो, एंड इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि कुछ अगर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप उसको प्रमोट करोगे। बट यार अगर आप इतना रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, क्योंकि मेरे को पता बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में रजिस्ट्रेशन हुई होगी, बट यार आप उस हिसाब से रिजल्ट तो कैलकुलेट करो यार। मतलब कुछ भी हो रहा है रिजल्ट्स में, 25 किल 10 किल आपको जो दिखाए, 11 किल वाली टीम क्वालिफाई कर रही है एंड 40-40 किल्स वाली टीम नहीं क्वालिफाई कर रही है भाई। एंड यार ये तो बस कहानी का पहला हफ्ता, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। तो भाई चलो मान लेते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीज़न इन गेम क्वालिफायर्स में टीम्स 40 किल करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो पाई, चलो ठीक है मान लिया, नो इश्यूज़। अब भाई जो राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है आप उसमें तो ढंग की मैनेजमेंट करो, भाई प्लेयर लिटरली आईपैड पे खेल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जो रूम्स हो रहे हैं वो पब्लिक रूम बन रहे हैं भाई कसम से। ई स्पोर्ट्स रूम, पब्लिक रूम सोचो, एंड जो प्लेयर्स है वो आईपैड पे खेल रहे हैं, लाइव स्ट्रीम तक कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है यार। हैक, ये तो पहला बात हो गया। अब आ जाता है हैकर पे। अगर आपको मैं हैकिंग के क्लिप्स दिखाऊं तो आप आगे देख सकते हो क्लिप्स में कि कितने ज़्यादा हैकिंग के क्लिप्स है। लिटरली अभी पहला दिन ही हुआ है एंड पहले दिन में इतने सारे हैकिंग एलिगेशंस एंड यार कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि इनका कुछ नहीं होने वाला है। मैनेजमेंट इनका लिटरली 1% भी इनको फ़र्क नहीं देने वाली, ठीक है। उनको लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एंड जितनी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई वो हो गई, हैकिंग वाली टीम्स आगे बढ़ जाएगी। बाद में अगर वो बैन हो गए तो हो गए, नहीं तो ऐसा ही चलते रहेगा। सो भाई हाँ, सैड टू से बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कम्युनिटी, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ क्राफ्टन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ BGMI ई-स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो भाई इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक ऐसा सिस्टम रहने वाला है लिटरली अंडरडॉग कहीं नहीं जा सकता है। एंड अगर आप बोलो कि भाई इसमें अब कैसे बंदा ग्रो करे, कैसे अंडरडॉग आगे बढ़े, तो भाई इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हाँ, जो भी बंदा नया है चैनल पर, डू मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना आपका ओपिनियन क्या है इसके मैटर में। सो हाँ, आज के लिए वीडियो यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।